जादुई चॉकलेट की दुनिया। सुरभि और वंदना दो बहनें थीं। दोनों बहनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उनका बस चलता तो वो पूरे दिन चॉकलेट खाती। परंतु सुरभि वंदना के माता पिता बहुत गरीब थे। उन दोनों बहनों के घर में उनके माता पिता और उनकी दादी रहा करती थी। उनके माता पिता बाजार में सब्जियां बेचा करते थे और उनकी माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। दोनों बहनों को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। रात को सोते समय दोनों दादी से कहानियाँ सुना करती थी। ऐसी ही दोनों बहनों के दिन बीत रहे थे। सुरभि वंदना स्कूल पढ़ने जाया करती थी। उनके स्कूल में एक काजल नाम की लड़की थी, जो एक अमीर घर की लड़की थी। काजल के पास नया स्कूल बैग, नई किताबें और सभी चीजें नई होती थी। वो सभी को चढ़ाती थी। काजल को भी चॉकलेट खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल में महंगी महंगी चॉकलेट लाया करती थी और सुरभि वंदना को दिखा दिखा कर खाया करती थी। सुरभि और वंदना अपने घर के हालात जानती थी। वो जानते थे कि वो इतनी महंगी महंगी चॉकलेट कभी नहीं खरीद पाएंगे। दीदी देखो ना, ये काजल की बच्ची रोज चॉकलेट दिखा दिखा कर हमें चढ़ाती रहती है। मेरा तो मन करते मैं उसका मुँह तोड़ दूँ। नहीं वंदना, ऐसा नहीं कहते, हमें दूसरों की तरह कभी नहीं बनना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ से घर चली जाती है। वंदना अपनी दादी से कहती है, दादी आपको पता है हमारी क्लास में काजल नाम की लड़की है जो बहुत ही घमंडी है। वो रोज नई नई चीजें लाकर हम दोनों बहनों को चढ़ाती है। हाँ दादी माँ, वंदना सही कह रही है, वो बहुत ही बुरी है। किसी से ठीक तरह से बात भी नहीं करती और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। वो तो बस स्कूल में चॉकलेट खाने आती है। अच्छा तो तुम दोनों को क्या बुरा लगता है, उसका चॉकलेट खाना या उसका पढ़ाई ना करना? दादी माँ मुझे भी चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, परंतु वो मुझे जरा सी भी चॉकलेट नहीं देती, इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों बहनें अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है। दादी माँ आज हमें आप कहानियाँ नहीं सुनाएंगी? अरे सुना रही हूँ बाबा। इसके बाद दादी दोनों बहनों को कहानी सुनाती है। कहानी सुनते सुनते दोनों बहनें सो जाती है। सुबह उठकर दोनों बहनें स्कूल जाती है। वंदना तुम्हें काजल से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम काजल से इसलिए बात करती हो ताकि वो तुम्हें अपने चॉकलेट खिला दे, परंतु उसने आज तक तुम्हें जरा सी भी चॉकलेट नहीं खिलाई है। दीदी सभी बच्चे काजल से बातें करते हैं, इसलिए मैं भी करती हूँ। परंतु लालच बुरी बला है, लालच में हमारा कोई भी नुकसान हो सकता है, तो तुम इस बात का ध्यान रखा करो। दोनों बहनें बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद काजल और वंदना स्कूल में बातें करने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों बहनें घर वापस जा रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक चमकदार चीज दिखाई देती है। दीदी देखो वहाँ पर कुछ चमक रहा है। हाँ वंदना तुम सही कह रही हो, हमें चलकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ पर पहुँच जाती है। वो देखती है कि वहाँ तो आसपास कोई नहीं है और एक चमकदार गेट है। दीदी ये तो एक जादुई दरवाजा दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई दुनिया है। वंदना ये हम दोनों को फंसाने के लिए कोई जाल भी हो सकता है, हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं दीदी हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत ही खास चीज है। वंदना अपनी बहन सुरभि की कोई बात नहीं सुनती और वो दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। वंदना के अंदर जाती ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख सुरभि भी दरवाजे के अंदर चली जाती है। दोनों बहनें देखती हैं कि वहाँ पर तो सभी चीज चॉकलेट की है। वंदना ये हम दोनों कहाँ आ गई हैं? दीदी मुझे तो लगता है ये एक चॉकलेट की दुनिया है। देखो ना यहाँ पर सभी चीजें चॉकलेट की है, मैं तो सारी चीज खा लूंगी। वो सब तो ठीक है, परंतु यहाँ पर सभी चीजें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? दीदी इतनी बड़ी बड़ी है तभी तो अच्छा है ना, हम तो ये सारी चीज खा भी नहीं पाएंगे। मुझे तो लगता है अब हमें यहीं रहना चाहिए, हमें जितना मन करेगा हम उतनी चॉकलेट खा लेंगे। इसके बाद दोनों बहनें आगे जाने लगती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी चॉकलेट के पेड़, चॉकलेट की नदी और चॉकलेट के पहाड़ थे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थे। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश थी। वंदना कहती है, दीदी देखो इस चॉकलेट के पेड़ पर तो फल की जगह चॉकलेट लगी हुई है, और देखो नदी में चॉकलेट की मछलियां हैं, मैं तो इन सबको खा जाऊंगी। इसके बाद वंदना पेड़ से चॉकलेट तोड़कर खाने लगती है। वंदना जैसे ही चॉकलेट खाने लगती है वो चॉकलेट गायब हो जाती है।
वंदना फिर से कोशिश करती है। वंदना आगे बढ़ती है और चॉकलेट खाने की कोशिश करती, परंतु वो चॉकलेट गायब हो जाया करती। ये देख वंदना बहुत उदास हो जाती है और सुरभि से कहती है, दीदी देखो ना, मैं जैसे ही चॉकलेट खाने की कोशिश कर रही हूँ ये गायब हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये कोई चाल है, चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, परंतु जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी वो खुल ही नहीं रहा था। दीदी ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत वंदना, कुछ न कुछ इसका हल हमें निकालना होगा। इसके बाद दोनों बहनें उस जादुई दुनिया में घूमती रहती है। तब उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिस गुफा में एक परी कैद हो रखी थी। वंदना देखो, यहाँ पर तो एक परी है जो पिंजरे में बंद है, चलो हम इसके पास चलते हैं। इसके बाद सुरभि और वंदना उस परी के पास जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। आप परी है ना, और आप यहाँ पर, आपको किसने कैद किया? हाँ बच्चियों, मैं परी हूँ, मुझे यहाँ पर काली शक्तियों ने कैद कर लिया है और मुझे तुम दोनों यहाँ से आजाद करा सकती हो। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है, आप एक परी हो, आपके पास जादुई शक्तियाँ हैं, जब आप अपनी शक्तियों से खुद को आजाद नहीं करा पाई हो तो फिर हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं? बच्चियों मेरी सारी शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं कर रही है, तुम दोनों को मुझे आजाद कराने के लिए यहाँ पर एक विशाल पेड़ के पास जाना होगा, वो पेड़ फिर तुम्हें सारी कहानी बता देगा। ठीक है परी, हम दोनों बहनें आपकी मदद जरूर करेंगे, आप बस बता दीजिए कि वो विशाल पेड़ कहाँ पर है। जब तुम दोनों बहनें इस गुफा से बाहर निकलोगी तो बाईं ओर चलते चलते तुम्हें एक झील दिखाई देगी, उस झील को तुम्हें पार करना होगा। पार करने के बाद तुम्हें वो वृक्ष दिखाई देगा और वो वृक्ष तुम्हें मुझे आजाद कराने के लिए सभी कहानी तुम्हें बता देगा। परी की बातें सुनने के बाद वो दोनों बहनें गुफा से बाहर निकल जाती है और चलते चलते चॉकलेट की नदी के पास पहुंच जाती है। वंदना हम यहाँ पर आ तो गई है, परंतु हम ये चॉकलेट की नदी कैसे पार करेंगे? दीदी हम दोनों को नदी में तैरना आता है, हम ये नदी तैरकर पार कर सकते हैं। अरे हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो, चलो हम इस नदी को पार करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें वो नदी पार कर लेती है और विशाल वृक्ष के सामने पहुँच जाती है। दीदी ये देखो, ये रहा वो विशाल वृक्ष जिसके बारे में परी हमें बता रही थी। हाँ चलो चलो हम इसके पास चलते हैं। जैसे ही दोनों बहनें विशाल वृक्ष के पास पहुँचती है, वो वृक्ष दोनों को पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये दोनों परी को आजाद कराने के लिए आई है। तुम दोनों बहनों का इस जादुई चॉकलेट की दुनिया में स्वागत है। धन्यवाद वृक्ष जी, परंतु हम आपके पास किसी मकसद से आए हैं। मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों इस जंगल से बाहर जाना चाहती हो, परंतु उसके लिए तुम्हें परी को आजाद करना होगा। मैं तुम्हें ये जादुई शक्तियों वाली छड़ी देता हूँ, इस छड़ी की मदद से तुम परी को आजाद कर सकती हो। जादुई छड़ी की मदद से? लेकिन परी तो कह रही थी कि यहाँ पर जादुई छड़ी काम नहीं कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, परंतु ये इस जादुई चॉकलेट की दुनिया की छड़ी है और ये यहाँ पर काम करती है। दोनों बहनें वो जादुई छड़ी ले लेती है और वृक्ष को धन्यवाद देकर परी के पास वापस पहुँच जाती है। दोनों बहनें उस जादुई छड़ी से परी को आजाद करा देती है। उसके बाद परी उन दोनों बहनों को उस जंगल से बाहर निकलने में उनकी सहायता करती है और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देती है। देखो अब तुम दोनों बहनें आजाद हो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए तुम चॉकलेट की दुनिया में आई थी। वंदना मैं तुम्हें ये जादुई चॉकलेट देना चाहती हूँ, इस जादुई चॉकलेट से तुम कुछ भी मांग सकती हो, वो तुम्हें चुटकियों में मिल जाएगा। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। वंदना और सुरभि दोनों वो चॉकलेट लेकर अपने घर चली जाती है। अब दोनों बहनों को उस जादुई चॉकलेट पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर वो उस जादुई चॉकलेट से कहती है, जादुई चॉकलेट हमें भूख लगी है, हमें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दो। सुरभि के इतना कहती ही वहाँ पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। उसके बाद वंदना कहती है, हे जादुई चॉकलेट, मुझे पहनने के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक और मेकअप का सामान दे दो। वंदना के इतना कहती ही वहाँ पर ढेर सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक और मेकअप का सामान आ जाता है। अब दोनों बहनों को उस जादुई चॉकलेट पर विश्वास हो जाता है और अब दोनों बहनें उस जादुई चॉकलेट से
अपनी सभी जरूरत की चीजें मांग लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।